डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्सटोर्शन के 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये सभी आरोपी भरतपुर जिले के नौगांव के रहने वाले हैं और ये लोग फेसबुक के जरिए लोगों को फंसाते थे, फेसबुक पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते थे। लड़की के नाम पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद जैसे ही पीड़ित उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था तो उसके पास वीडियो कॉलिंग करते थे और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसका अश्लील वीडियो बना लेते थे और उसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगी की वारदात की जाती थी, उनको दबाव बनाया जाता था और पैसे ऐंठे जाते थे। इतना ही नहीं, ये आरोपी बैंक लोन देने के नाम से और नौकरी देने के नाम से भी लोगों को फंसाते थे और उनसे ठगी की वारदात करते थे। ये सभी आरोपी सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर भंडारेज के समीप खड़े हुए थे। जैसे ही पुलिस वहां से गुजरी तो ये भागने लगे। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये पेशेवर साइबर क्रिमिनल हैं। इनके पास से अनेक मोबाइल फोन मिले हैं, उन मोबाइल फोन में न्यूड वीडियो के साथ साथ सेक्सटोर्शन वीडियो भी मिले हैं, साथ ही सेक्स चैट भी मिली है। इतना ही नहीं, जो ठगी का शिकार जिन लोगों को बनाते थे उनसे जो पेमेंट लेते थे उसके स्क्रीनशॉट भी इनके मोबाइल में मिले हैं। ऐसे में अब पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए अपराध काफी बढ़ रहे हैं, जिसमें एक अपराध है सेक्सटॉर्शन। इसमें ये पूरा एक गिरोह था जो फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के जो चैनल हैं उनके माध्यम से अकाउंट बनाते थे और बना के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, और जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद ये उनको तरह तरह से ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियो बना लेते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं अपने हिसाब से और फिर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूली करते हैं। दूसरा, ये लोगों को नौकरी देने के नाम पे उनसे उनके OTP आधार कार्ड ले लेते हैं और उनका अकाउंट बना के उस अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड भी करते हैं, पैसे का लेन देन ये करते हैं अवैध रूप से। कई सिम ये परचेज करते हैं और सिम की KYC करा के और फ्रॉड करने वाले दूसरे लोगों को भी ये सिम बेच देते हैं। इनमें कुछ लोग तो फ्रॉड करते हैं, फिर कुछ लोग बैंक अकाउंट वाले बन जाते हैं और उनको लोन देंगे। जब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा तो इन्हीं गिरोह में से कोई व्यक्ति आपको ग्रीवांसेस के रिड्रेसल के लिए उपलब्ध मिलेगा, जो कि बैंक मैनेजर बन जाता है। आप अगेन फ्रॉड का शिकार होते हैं, उसके बाद आप शिकायत करेंगे पुलिस में तो इसी गिरोह का कोई व्यक्ति पुलिस वाला बन जाता है। जब आप उसको शिकायत करते हैं तो अगेन आप फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो ये कई तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इस गिरोह को हमने पकड़ा, 6 लोग हैं ये और सभी मंझे हुए साइबर क्रिमिनल्स हैं और काफ़ी लंबे टाइम से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं।